अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा साहब, आप नहीं जानते जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उसने हमें कितनी चोट पहुंचाई है। ये नहीं हो सके। फूल हमेशा सुगंध फैलाता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। यदि भानु जीजी की परछाई है तो ये किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। दादा साहब प्लीज दे छोड़िए ना, आप अंदर चलिए, ये लड़की अंदर नहीं आएगी। कहा ना, हम भीतर नहीं आएंगे, ये तोमर की जबान है। इसे अगर हवेली में जगह नहीं मिली तो अपने दादू साहब को हमेशा के लिए खोने को तैयार रहना। दादू साहब, तोमर हम भी है, अगर हम चाहे तो हम भी अपनी जिद पे अड़े रह सकते हैं। आपके पोते भी हैं और आपकी जिद के आगे हमारी जिद हार जाती है। आपने जो भी फैसला किया है हम उसे मानेंगे। हमें विश्वास था अभी आप हमें नीचा नहीं देखने देंगे। दुल्हन साहब, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। जी बाबा हुकुम, जैसा आप कहें। पहले आपके ससुर ने विधि को इस घर में रखने की जिद की, उसके बाद ये गृह प्रवेश। आपने अबीर साहब को रोका क्यों नहीं उनकी बात मानने से और हमको भी कुछ नहीं करने दिया, क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे कि अबीर अपने दादा हुकुम की बात को नकार नहीं सकते। हम सब कोशिश करके देख चुके हैं ना कि वो लड़की इस घर के अंदर ना आ पाए। क्या हो गए ना सारे नाकामयाब, और अब तो उस विधि के पास हुकुम का इक्का है, बाबा हुकुम का साथ। इसलिए हम सबकी बेहतरी इसी में है कि हम इस बात को ऊपर वाले की रजा मान लें। और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है? क्या मम्मी साहब, इसमें क्या बुराई है? वो लड़की विधि अबीर की दुल्हन बनेगी, इस महल पे राज करेगी, वो अबीर के साथ चिपकी रहेगी, आप इसके लिए मान रही हैं? कब तक? कब तक चिपकी रहेगी अबीर से? आप दोनों एक बहुत जरूरी बात नहीं भूल रहे, वो लड़की बीमार है, स्टेज 4 कैंसर की मरीज है वो। त्रिशाला बेटा, क्यों खामखा आप उसकी मौत को अपने सर लेना चाह रही हैं? करने दीजिए ना उसकी बीमारी को अपना काम, उसकी बीमारी ही उसकी मौत का कारण बन जाए, और उसके बाद आप और अबीर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस तब तक हम सबको शांति से चुपचाप बैठना होगा। Oh,
क्या कर रही हो ये? हमें जलाकर छाया देने की कोशिश कर रही हो? नफरत करते हैं तुमसे, चले जाओ यहां से। गृह प्रवेश की तैयारियां हो गई है, आप भी चलिए ना। मतलब वाह, इतना सब होने के बाद तुम हमें कह रही हो आप भी अंदर चलिए? तुम्हें क्या लग रहा है दादू साहब के कहने के बाद हम तुमसे प्यार से पेश आने लगेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दादू साहब ने हमसे कहा तो हमने तुम्हें उसी के लिए अंदर आने दिया है। पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो करना है वो कर लो, हम तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। हमारे लिए जो कुछ भी है ना, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ सिर्फ त्रिशाला है। निकल आते गृह प्रवेश हम भी करेंगे। क्या कह रही हैं आप त्रिशाला? वसुंधरा जी समझाइए बन्नी को, इनकी शादी नहीं हुई है बीरबन्ना से। शादी क्या है? दो लोगों के बीच में रजामंदी ना, साथ रहने की, जिंदगी साथ बिताने की। अबीर और हमारे बीच में वो रजामंदी है, कोई और क्या सोचता है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जिस दिन इस हवेली में कदम रखे थे उसी दिन हमने मान लिया था कि हम अबीर की पत्नी है। उसी दिन से ये हवेली, हमारा घर, हमारा ससुराल बन गया था, इसीलिए गृह प्रवेश तो हम भी करेंगे। ये दोनों लड़कियां गृह प्रवेश कैसे कर सकती हैं, वो भी एक साथ? असली हक तो विधि का है, शादी तो उसकी हुई है। जैसा हो रहा है उसे चुपचाप होने दीजिए कुंवर साहब। अगर त्रिशाला को इस वक्त रोका गया तो हो सकता है कि बाबा हुकुम और त्रिशाला दोनों की तबीयत बिगड़ जाए और उसके जिम्मेदार होंगे हम सब। एक और बात सुनैना, आप अपने पति को ये समझा दीजिए कि शादी तो विधि से ही हुई है, ये सच कोई बदल नहीं सकता। अगर त्रिशाला गृह प्रवेश कर रही है तो उससे हकीकत नहीं बदलेगी। दुल्हन साहब, हम बहू के लिए शगुन ले आए हैं, गृह प्रवेश शुरू करो। जी बिल्कुल, दुल्हन द्वार पे ही है। सुनो, जल्दी से दोनों अंदर आ जाओ।
ठीक है? कि लक्ष्मी जैसे लक्षण तो विधि के हैं। त्रिशाला ने देखिए किस तरह से रस्म निभाई है। सही कह रहे हैं आप विश्वास जी, और बाबा हुकुम भी सही कह रहे थे, विधि ही इस घर के लिए सर्वगुण संपन्न बहु है। जीवती रहो, थारी और अबीर की जोड़ी सदा बनी रहे। ठीक है, बस रहने दीजिए, सदा सुहागन रहो। राम सिंह जी, हुकुम। लो बहु, दुल्हन का गृह प्रवेश तो हो गया, अब बाकी की रस्मों में समय लगेगा। अबीर बन्ना जी, दादू साहब, तब तक आप बहू को अपना कमरा दिखा दो। दादू साहब, इसकी क्या जरूरत है, हम राम सिंह जी है ना, वो इन्हें कमरा दिखा देंगे। ना ना, तुम उसके पति हो, तुम उसे अपना कमरा दिखाओ जाकर। और अब वो कमरा वो काफी तो है। दीदी अपना हाथ दो। अभी तुम भी अपना हाथ लाओ। को अपने कमरे में लेकर जाओ। दुल्हन साहब, तुम दोनों बाकी की रस्मों की तैयारी करो। जी बाबा हुकुम। राम सिंह जी आइए। विशाला, आप भी अपने कमरे में जाइए। अबीर, अब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे बाबा हुकुम ने कहा है, ठीक है? जी काका साहब। विधि, प्लीज हमारा पीछा करना छोड़िए। अब परेशान मत होइए, हम हैं। ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी, आपका सर दर्द कर रहा है ना? सॉरी बहुत विशाला, हमें लगा विधि है। आपको कैसे पता कि हमें ये कॉफी चाहिए थी? अबीर, इतना तो हम जानते हैं आपको कि जब भी आप परेशान होते हैं तो आप अपना सर पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हम समझ जाते हैं कि आपका सर दर्द कर रहा है। हमको ये भी पता है कि सिर्फ ब्लैक कॉफी इसका इलाज है। आप कितना सोचती हैं त्रिशाला हमारे, कितना प्यार करती हैं आप, और इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार, जो दादो सा समझते नहीं। हमें माफ कर दीजिए त्रिशाला, हमारी जिद दादो सा के सामने नहीं चली, हमें उनके सामने झुकना पड़ा।
आपको हमारे सरदर्द का इतना ख्याल है लेकिन हम आपको दिल का दर्द दे रहे हैं। प्लीज अबीर, दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और फिर वो दादोसा हैं आपके, और वैसे भी उनके सेहत के खतरे को समझते हुए हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। हम जानते हैं कि हमें विधि के गृह प्रवेश के साथ अपना गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था, वो सही नहीं था, क्योंकि हम आपको देख रहे थे वहां से और हमें पता चल रहा था कि आप कितने परेशान हो रहे थे, और वैसे भी दादोसा चाहते हैं कि आप विधि के साथ ही शादी निभाएं, और हम यहाँ रहेंगे ना तो परेशानियां बढ़ती ही रहेंगी, इसीलिए हमने यहां से चले जाने का फैसला किया है। अबीर, नहीं त्रिशाला, आप नहीं जा सकती। अभी आप ही बताइए कि हम कैसे रुके यहाँ पर जहाँ पर हमारी कोई जगह ही नहीं है, और आप ही कहते हैं ना कि दादोसा का जो भी फैसला होता है हमेशा सही होता है। उनका यही फैसला है कि आप विधि के साथ ये शादी निभाएं, तो हमें तो जाना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताइए आप कैसे रुक सकते हैं। नहीं त्रिशाला, हम आपको जाने नहीं दे सकते, ये सब विधि की चाल की वजह से हुआ। त्रिशाला प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। हमें पता था अबीर हमें नहीं जाने देंगे, इतना प्यार करेंगे आपको कि उस लड़की विधि के लिए आपके दिल में कोई जगह ही नहीं रहेगी। अबीर, हम आपको मना नहीं कर सकते, इतना प्यार जो करते हैं हम आपसे, हम आपके पास रहेंगे, बहुत पास। क्या हुआ त्रिशाला? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कमरा कट है, मारे को मालूम नहीं। कमरा देखना तुम्हें? हाँ, हम तुम्हें कमरा दिखाते हैं। बन्ना सा, अब ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है। चलो। पता नहीं दादोसा को इनमें आदिनाथ की परछाई कैसे दिखती है, कहां वो कहां ये। इनका नाम ना बनासानी भूकंप सा होना चाहिए, जहां जाते भूकंप आ जाता है। क्या क्या बोला तुमने? हमने सुना तुमने कुछ अभी कहा हमें। अगर हम कुछ कहेंगे आप कहेंगे मुंह बंद रखिए, मैंने बस वो कमरा दिखा दी। जी, अपना मुंह बंद रखिए और चलिए। बनासा, कमरा देखना है ना तुम्हें? ये देखो, ये है हमारा कमरा। और क्या बता तुम्हें, और ये भी बता कि कौन सी चीज कहां है और क्यों है, वो भी बता देते हैं तुम्हें। रुको, वो देख गिटार दिख रहे ना? ये गिटार देख रही? ये वही गिटार है जिसे बजाकर हम त्रिशाला के पसंद के गाने गाया करते हैं। हमने ये सोचा था कि शादी के बाद भी इसी कमरे में यही गिटार बजा के उनकी पसंद के गाने गाएंगे। और ये खिड़कियां देख रही? ये खिड़कियां बेड के पास में इसीलिए ताकि सुबह सुबह सूरज की किरणें त्रिशाला के चेहरे पे पड़े और उठते से हम उनका चमकता हुआ चेहरा देखें, और यहीं से आसमान से भगवान को थैंक्स बोले कि उन्होंने हमें त्रिशाला दी। लेकिन ये सब क्यों हुआ पता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे लालच की वजह से हमारे सारे सपने टूट गए। कितनी आसानी से तुमने दादोसा को अपनी तरफ कर लिया। ना बन्ना सा, फिर मारे को गलत समझ रहे हैं। हाँ,
ऐसा नहीं है। मारे को पता है कि आप त्रिशाला बनी सास से घना प्रेम करते हो। मैं थारा प्यार थारे से दूर ले जाने नहीं आई हूँ, लेकिन आपको मारा विश्वास करना होगा। मान ली भी आसान नहीं था ये शादी करना, जबरदस्ती दुल्हन बनना, थारे और बनीसा के बीच आना, लेकिन हमको ये सब करना पड़ा। थारी जान Shut up! थारी जान बचाने के लिए हम साबित कर करेंगे कि तुम यहाँ पे हमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आई, हमारा और त्रिशाला का रिश्ता तोड़ने के लिए आई, और वो भी सिर्फ पैसों की लालच के लिए। अब मारे को कुछ करना ही होगा जिससे बन्ना सा को मारे पर विश्वास हो जाए।